सुबह सुबह क्या हुआ ना, बाइक में इंडिकेटर डालना बंद हो गया। कैसे भी करो इंडिकेटर ऑन ही ना हो। देखो कैसा सज धज के आई है, पूरा तैयार होके। पता नहीं इतने लोग नहीं तैयार होके आए होंगे, नहीं आए होंगे पता नहीं। ग्रुप पे देखो ना मैसेज अपना। देखो मुझे बेटा गिफ्ट खोल रहा है, गई थी अपना तीज पार्टी मनाने। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? तो स्वागत है आप लोगों को मेरे नए ब्लॉग में। तो वैसे आशा करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो सुबह सुबह ऑलमोस्ट मैं 4:30 बजे उठ गया था, 4 घंटे उठे हुए हो गए हैं, 8:30 बज रहा है। थोड़ा बहुत जो काम था एडिटिंग का बचा हुआ था, इसलिए जल्दी सुबह उठ गया था। एडिटिंग कर रहा था बैठ के सुबह से। अब एडिटिंग डन हो गया, थंबनेल डन हो गया, अपलोड हो गया है, सब कुछ हो गया है, तब जाके फ्री हुआ हूँ, तब वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ। चाय बनना स्टार्ट हो गया, चाय भी आ जाएगा। और ये देखो भाई साहब यहाँ सो रहे हैं, क्योंकि हमारा एसी यहीं पे है, तो हम अपना बेडरूम खाली छोड़ देते हैं और यहीं पे सो जाते हैं सारे के सारे। जैसा जहाँ मर्जी होता है वहाँ सो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ अच्छा लगता है वहाँ सो जाते हैं, कभी वहाँ सो जाते हैं, कभी यहाँ सो जाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब वेट चाय बनने में, फिर अपना चाय बन रहा है, चाय बनेगा, चाय पियेंगे, फिर अपने सारे काम पे स्टार्ट करेंगे। वैसे बाइक में एक प्रॉब्लम आ गई है, देखते हैं अभी स्टार्ट करके देखूंगा, ठीक है ओके है तो ठीक है, अदरवाइज फिर लेके जाऊंगा सर्विस सेंटर, वहाँ दिखा के आऊंगा क्या दिक्कत है भाई। एक चलते चलते ऐसा क्या दिक्कत आ गई, दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम हो गया, अभी नीचे चलेंगे तो दिखाऊंगा। सो अभी स्कूल भी कहता है, देख उठ जा बेटा, देख बेटा 8:30 हो गया, उठ जा, कल से स्कूल के लिए 5 बजे उठना है। कल से इन लोग का स्कूल ऑफलाइन हो गया, तो 5 बजे सुबह उठेगा, तभी 6:30 पे इसकी बस आ जाती है। एग्जैक्टली, उठ जा, देख उठ जा उठ जा। कुछ लोग होते हैं ना बुलातों के पूत होते हैं, बातों से मानते नहीं है। दिखाता हूँ अभी मैं, ये हमारा बालकनी है और यहाँ से ऊपर से टप 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 पानी गिरती है, सारा खराब हो चुका है। अभी भी यहाँ भी गिरी रहा है पानी, कहाँ कहाँ से समेत भी मेरा सामान कुछ रखा हुआ है, काम का चीज, एक सारा काम का चीज मेरा रखा हुआ है। तो मैंने मैसेज, तो उस बंदे से मैं बात नहीं करता, मेरे ऊपर जो रहता है ना, उस मेरे ऊपर जो रहता है मैं उससे बात नहीं करता। तो उसको मैंने वायर थ्रू, जो मेंटेनेंस रखता है उससे के थ्रू बुलवाया हूँ, लेकिन वो बंदा सुधर नहीं रहा है। पहले भी मेरी लड़ाई हो चुकी है उससे, और इस बार भी वो चाह रहा है कि मैं उससे लड़ूँ। उसको क्या बोलता है, मैं उसके घर जाऊँ उसको बोलूँ, तब वो माँ कुछ सोचेगा, वो तो पॉसिबल है नहीं इस लाइफ में। उसके साथ मेरी लड़ाई अच्छी खासी बड़ी वाली लड़ाई हो रखी है उससे, वो पॉसिबल है ही नहीं। माँ के अगर नहीं करेगा फिर आगे का एक्शन जो लेना है लेंगे, करूँगा। इस बार उसको फिर से दिखाना है, 2 बार झटका दे चुका हूँ उससे, तीसरी बार फिर झटका दूंगा। देखते हैं, वेट करते हैं, 1-2 दिन और वेट करेंगे, उससे ज्यादा वेट नहीं करेंगे। सामान खराब होने का वेट तो करना नहीं है। आज निधि की, मतलब निधि का जो पार्टी है ना, हम लोग तैयार होकर निकल चुके थे। निधि तो तैयार होकर, आधा तैयार होकर आई थी, कि आज उन लोगों का पार्टी है, तीज पार्टी, लेडीज हैं सोसाइटी में, सब मिलकर कर रही थी, तो निधि भी उसमें इंक्लूडेड है। तो जा रही है, थोड़ा सा मेकअप वेकअप जो करवाना, बाल बनवाने आई है, बहुत सारे ये थे तो अपना करवा रही है, वो भी जा रही है। 2-4 क्या है ना, इसके ग्रुप है ही नहीं, तो 2-4 लोगों से मिलेगी तभी तो ग्रुप बनेंगे। तैयार हो रही है, मैं वेट कर रहा हूँ, जब निकलेगी तो छोड़ के आऊंगा। आज सुबह सुबह क्या हुआ ना, बाइक में इंडिकेटर डालना बंद हो गया, कैसे भी करो इंडिकेटर ऑन ही ना हो, पता नहीं। फिर अभी चेक किया तो अभी ऑन था। गर्मी गर्मी, धूप इतनी तेज हो रही, कड़ाके की धूप हो रही है। तो फाइनली हम क्या है ना, ये भी आ गई थी, अभी इसको छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। तो देखो कैसा सज धज के आई है, पूरा तैयार होके, पता नहीं इतने लोग नहीं तैयार होके आए होंगे, नहीं आए होंगे पता नहीं। ग्रुप पे देखो ना मैसेज अपना। अरे आ गए होंगे ना, 3 बजे से था तो। हाँ तो जाओ, ऐसे थोड़ी लिखा होगा कि हम लोग पहुंच गए। हाँ तो जाओ, इसको छोड़ देते हैं, फिर हम लोग आपस अकेला एंजॉय करेंगे। आदित्य गया अपने दोस्त के घर, ये यहाँ मैं अपने घर पे मैच देख के एंजॉय करूंगा। सब पहुंच जाना 2:00 के, 2:30 बजे मैसेज किया। हाँ तो चलो 3 बजे के जाओ, देख लो फिर बता देना, मैं चला जाऊंगा, नहीं तो 5 मिनट नहीं आई तो चला जाऊंगा। क्या ठीक है, ध्यान रख लो, गर्दन भी सीधा करना है भाई। अब देख लेते हैं, 5 मिनट वेट करके जा, चलिए अगर सब आ गए होंगे तो ठीक है, अदरवाइज वापस आ जाएगी। ठीक, तो निधि को छोड़ के आ गया हूँ, आज तगड़ी नींद आ रही है, फिर सोने जा रहा हूँ, आज कुछ नहीं होना अपने से, तब सोऊंगा मस्त होके, निधि आएगी तब लेके आ जाऊंगा, अद्विक निधि दोनों को लेके आऊंगा। अब सोने का टाइम, बस सो जाता हूँ, नींद आ रही बहुत तेज। तो फाइनली निधि का फोन आ गया है, तो लेने जा रहा हूँ निधि को, मतलब 6 बजे बोल के ऑलमोस्ट अब 7:30 हो गया, तभी अब फोन आया है कि आ जाओ लेने के लिए। मैं तो मस्त होकर सो गया था, इसी बीच बारिश हुई, पता ही नहीं चला, बारिश क्या, 2 बूंद बारिश हुई है। फाइनली अब पहुंचने वाले हैं, कुछ सेकंड और लगेंगे, फोन करेंगे कि अगर बाहर आ गई होगी तो ओके है, अदर बना चल के फोन करेंगे। बेटा मैंने कहा कुछ बोला, जाना कहा किसे,
आपको कहीं भी जाऊँ? क्यों, क्या हुआ? मैं पूछ रहा हूँ, आप जाना कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। देखा नहीं था? देख लिया था, दो मिनट रुको, वो भाभी कह रही है एक दो को छोड़ते हुए जाइयो, पंचायती के पास ही है सारे। ये हटा दो सामान पीछे से, जब तक मैं के पास जाना। वो सीट वाला को लेने के लिए आ गया है, लेने के लिए आ गया हूँ, बट एक दो लोग हैं जो घर के पास है, उनको छोड़ना है, उनका तो वीडियो नहीं बनाऊंगा। चलते हैं, उनका वेट करते हैं, जैसे आएंगे फिर चलेंगे, उनको छोड़ के फिर घर चलेंगे। अरे आज क्या हुआ? सुरेश जी का फोन आया। राज कहाँ हो? मैं घर पे हूँ यार, मैं तो 3-4 बार पहले बजा के चला गया, तुम तो खोलिए थी नहीं खोले। मैंने अच्छा, मैं आग लग गई थी, पता नहीं चला। 3-4 बोलते कि मैं आया, बेल बजा के ऊपर चला गया, फिर नीचे उतरा, फिर 2-3 बार बजाया, फिर नहीं खोले। तो सच में आए थे? हाँ। फिर क्या, गाड़ी में बैठ के वापस जा रहे तब फोन किया मैंने, आ जाओ ऊपर। नहीं बोले, मैं तो निकल गया। मुझे इतनी तेज नींद आ गई, फोन बजाया पता चल रहा है, लेकिन नींद इतनी तेज आ गई पता ही नहीं चला। देखो मुझे मिला क्वीन ऑफ पीच, क्वीन ऑफ पीच गिफ्ट भी मिला। देखो तो बेटा गिफ्ट खोल रहा है, गई थी अपना तीज पार्टी मनाने, तीज पार्टी मनाने। ये अजीत का है क्या? फिर कॉफी मेकर है, देखो अनबॉक्सिंग कर रहा है इसका। बेटा कैसे कर रहे हो? अरे तू चेको तरीका होते है नहीं कुछ भाई, दोनों मिस्र हो गए थे तो ऐसे। मैं इंतजार कर रहा था कि आओगे तो चाय पिलाओगी, मैं चाय का इंतजार कर रहा हूँ तब से, चाय पिया ही नहीं। क्यों? तुम्हारा इंतजार कर रहा था चाय पिया। ये क्या है? ये चाय बनती है, क्या है वो? देखो क्या इसे मिला है गिफ्ट में, क्या ये? ये मग सेट है ना पूरा, मग सेट। ये क्या है? ये टाटल है और 6 कप्स। ओके, मिला गिफ्ट क्वीन ऑफ पीस। और क्या क्या गिफ्ट थे? वही था, मेरे को क्वीन ऑफ पीस दे दिया, नहीं तो श्रृंगार के उसमें भी मेरा था है? और क्या कहते हैं, नहीं बस सिर्फ श्रृंगार में था, मतलब जो उन्होंने 10 कैटेगरीज रखी थी वो 10 कैटेगरीज में बस दो ही में आई, फुलफिल थी तो। अच्छा, बाकी उसमें गेम्स वगैरह थे? कोई गेम्स नहीं जीता जी, स्पोर्ट्समैन है ही नहीं तू तो। ऐसे क्या, भागने वाले गेम थोड़ी थे, जैसे ही गेम थे। हाँ तो वो उसमें ऐसा कुछ नहीं था, वो पर्ची निकालते थे जिसका नाम होता था वो निकलता जा रहा। ओके, चलो कैसा एक्सपीरियंस था? ठीक था, मतलब 12 सालों में, शादी के 12 सालों में पहली बार कहीं ऐसे ग्रुप में गई है, ग्रुप में कभी कहीं गई है वो भी मेरी वजह से, अपना तो कोई ग्रुप इसका है ही नहीं। अब ग्रुप बन जाए कुछ, क्या बन जाएगा ग्रुप? पहले मेरी फोटो खींचो, फोटो खींच लूंगा। तो फाइनली अपना खाना भी आ गया है, जीरा राइस हल्की विथ मसाला, और ये एक तरीके का रायता ही है, लेकिन इस रायता में दही ज्यादा होता है, लेकिन मेरे वाले रायते में दही कम होता है, प्याज रायता दही कम वाला। तो खाना पीना खाते हैं जल्दी से, और वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय, गुड नाइट।